वेलकम गाइस, आज का जो टॉपिक है ये है बजीस, कॉकटेल लवबर्ड, फिंचेस, कोई भी बर्ड हो जिसको हम सेपरेट केज में या कॉलोनी में ब्रीड कराते हैं। तो ये सारे बर्ड का जब बेबी होता है, ये बेबी कब अलग करना है और क्यों अलग करना ज़रूरी है और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारे लेके आज का टॉपिक है। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बटन रहता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जितना भी पैरोट ग्रुप या फिंच ग्रुप, कोई भी ग्रुप का जो बर्ड होता है, ये सारे बर्ड अपने बच्चे को एक टाइम तक ही खिलाता है। जब तक वो खाना खुद से खाना नहीं सकता है तब तक, और खुद से नहीं उड़ सकता है तब तक वो अपने बच्चे को फीड कराता है। दोस्तों तो आपको एक काम करना होगा, जब आपके मटकी में चिक नज़र आएगा तब आपको नोट डाउन करके रखना है जो कब वो चिक बाहर निकला। तो उस दिन से शुरू करके 40 दिन मैक्सिमम 45 डेज तक आपको वो एक साथ रहने देना है बर्ड्स के चिक को, क्योंकि 35 डेज में ये खाना सीख जाता है, उड़ना भी अच्छे तरीके से सीख जाता है। मगर सिक्योरिटी के लिए और 10 डेज अब पकड़ के रखिए, वो 10 डेज अब एक साथ रख सकते हैं। मगर उसके बाद जब उसके पेरेंट्स फिर से अंडे ले कर देगा तब आपको उसके साथ रखना नहीं है, क्योंकि वो रखने से ये बच्चे उस मटकी में घुसेगा, फिर अंडे ख़राब कर देगा, उसका जो पेरेंट्स है उसको डिस्टर्ब करते रहेगा, ये सारे प्रॉब्लम आता रहता है। तो दोस्तों आपको ये कोई भी ग्रुप के बर्ड को जब हो जाए, उसके बड़े हो जाने के बाद, अच्छे से खाना सीख जाने के बाद उसको आपको अलग करना है। तो अलग करने से उसका जो पेरेंट्स होता है ठीक से अंडे बच्चे करते हैं। तो दोस्तों ये जो अलग आप करते हो, आप अगर आप सेपरेट केज में ब्रीडिंग करवा रहे हो तो आपको करना होगा जो 30 डेज के बाद अंडे हैच हो जाने के 30 डेज के बाद वो मटकी या झूरी कुछ भी होगा वो आप सेपरेट केज से उतार लो। बच्चे अंदर ही रहेगा, बच्चे केज के अंदर ही रहेगा और आपको वो हंडी या बास्केट को वो उतार लेना है। देखिए ये जो पेयर आप देख रहे हो ये मैं रेस्ट में रखा हूँ, ये मैं 10 दिन इसको अच्छे से विटामिन कैल्शियम के कोर्स करा के मैं फिर से इसको ब्रीडिंग में डालूँगा। तो इससे क्या होता है, एक पेरेंट्स जब उसका बच्चे अंडे बच्चे करते हैं उसके बाद उसके शरीर में बहुत चीज़ का कमी हो जाता है। ये कमी हो जाने के लिए बर्ड्स का बहुत सारा इंटरनल प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको कवर करना होगा, इसको पूरा करना होगा। ये हम तो ये तो नेचर में नहीं रहता है, ये तो केज में रहता है, तो हम लोग जैसे इसको खिलाएंगे पिलाएंगे उतना ही वो खाता है। तो इसका जो हम जो इसको मेडिकल सप्लीमेंट के दौरान मेडिकल सप्लीमेंट से इसका जो अभाव रहता है उसको हम पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से विटामिन कैल्शियम, हो सके तो डीवर्मिंग करवा के अच्छे से बर्ड का ग्रोथ इससे अच्छा रहता है करवा के फिर इसको ब्रीडिंग में बैठाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो को बहुत ही अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।